श्री राहुल गांधी जी को बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते उत्तेजनात्मक और भावनात्मक वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। इससे उनकी भी और पार्टी की भी छवि खराब होती है। रामेश्वर शले भोपाल के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, उनके फोर फादर्स भी हिंदू नहीं ऐसा है। वक्तव्य देना भी आपत्तिजनक है और किसी को धर्म के सर्टिफिकेट इस प्रकार से नहीं बांटने चाहिए। पीएम मोदी और आदार पूनावाला टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2021 में यह आए हमारे हैं। लिए गौरव की बात है कि भारत के तीन हस्तियों को टाइम्स मैगजीन में 100 महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट में स्थान मिला है। हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए इन्होंने एक स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी बनाई है, होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा के अंदर, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेंगे बॉर्डर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर बनाई गई हरियाणा सरकार की कमेटी किसानों से वार्ता करके कोई एमिकेबल रास्ता सड़क खुलने का निकालेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। एनसीआर अनुसार क्राइम जो SC ST के अगेंस्ट हो रहा है उसमें 2020 की डेटा से 77 रेप केसेस दिन में आ रहे हैं और 80 मर्डर केसेस, 90 नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो चिंताजनक हैं और डरावने हैं, जिसमें महिलाओं पर भी और शोषित वर्ग के लोगों पर भी अत्याचार बढ़े। कन्हैया राहुल गांधी से मिलेंगे और शायद ज्वाइन करेंगे पार्टी, जिग्नेश मेवानी भी टच में है। कन्हैया कुमार एक प्रसिद्ध छात्र नेता रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं और बालिग हैं, किसी भी दल को चुनने के लिए उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान के बीजेपी MLA मदन दिलावर ने अपने बयान को एग्जाजरेट करते हुए बोला कि टेम्पल्स की जगह मॉस्क बन रहे हैं, गर्ल्स को अबडक्ट किया जा रहा है। राजस्थान के भाजपा विधायक श्री दिलावर का बयान आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है, भड़काऊ है। उनको ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए।